इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी से ही बड़ा दावा कर दिया है। राहुल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस को 150 सीटें मिलेगी और एमपी में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। राहुल के बयान के साथ ही अब एमपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ने के संकेत भी मिलने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस अपनी छीनी हुई सत्ता की वापसी की कोशिश में जुटी है। 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार चली गई। अब पार्टी ने 150 से ज्यादा सीटों को जीतने का टारगेट सेट कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका जाने से पहले दावा किया था कि हम 150 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमें कर्नाटक से भी ज्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से प्रचार प्रसार चुनाव अभियान का शंखनाद करने वाली हैं। जबलपुर में होने वाले इस आयोजन में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है। वहीं महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में अपनी ताकत का संदेश देना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका को राज्य में इंदिरा गांधी की नातिन के तौर पर प्रचारित तो करेगी ही, साथ में मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य के आदिवासी और जनजाति वर्ग में कांग्रेस की पैठ है, उसे और मजबूत बनाने में प्रियंका गांधी मददगार हो सकती है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में पूरी तरह से उतारने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ जमकर प्रचार किया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रियंका के जरिए मतदाताओं को कहीं ज्यादा आकर्षित किया जा सकता है। उनका रहन सहन से लेकर पहनावा कुछ ऐसा है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद भी दिला जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।